Assalamualaikum everyone, welcome back to my channel, मेरा घर मेरी जन्नत। तो कैसे हैं आप सब? I hope कि आप सब ठीक होंगे। तो ये है सुबह का वक्त, कुछ 4:20 हो रहे हैं और अब जाके मेरा घर जो है सेट हुआ है। कल की वीडियो में मैंने बताया था आप लोगों को कि फर्नीचर आया था और सारा घर बिखरा पड़ा था, और फर्नीचर सेट होने के बाद मैंने सारे घर को अच्छी तरह से क्लीन किया है। घर डेकोरेट हो गया था, लाइटिंग लग गई थी और माशाल्लाह हर एक चीज़ बहुत ही नीट एंड क्लीन, बहुत ही प्यारा लग रहा था। और मेरी तो जैसे नींद ही गायब हो गई थी, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा ये टाइम को मैं कैप्चर कर लेती हूँ। तो देखिए, लाइटिंग के अंदर फ़िश टैंक की फ़िश भी मेरी कितनी खुश हो रही है। तो आज से मेरे बेटे की शादी के प्रोग्राम स्टार्ट हो रहे हैं। आज से है शुक्राना और मिलाद रखा हुआ है मैंने, तो ये है मॉर्निंग का टाइम। तो यहाँ पर मेरी प्रिपरेशन स्टार्ट हो गई है। यहाँ पर मैंने कुछ कपड़े लिए हैं जितने भी मरहूमीन हैं उनके नाम पे, और मदरसे के जो बच्चे आने वाले हैं उन सब के लिए हमने कुछ तोहफे प्रिपेयर किए हैं। ये देखिए, इस तरह से मैंने पैकिंग करके रखा है। तो पहले कुरान खाने हुई, बच्चों ने कुरान पढ़ा। मैं यहाँ पे बखूर जला रही हूँ ताकि घर में अच्छी सी खुशबू आ जाए, और फिर उसके बाद जो है एक दो कलहम पड़ा और फिर उसके बाद हमने खाना सर्व कर दिया। सबने बहुत ही अच्छे से खाया, और जाते वक्त मेरे बेटे ने सबको उनके गिफ्ट दिए। मेरी ननंद यहाँ पे बैठी हुई है, वो चॉकलेट्स बांट रही है, और मेरे शौहर भी यहाँ पे खड़े हैं, सबको जाते वक्त जो है वो हाथ में कुछ पैसे दे रहे हैं। हमसे जितना हो सका है और हम जितना कर सकते थे हमने उतना करने की कोशिश की है। अल्लाह ताला बस हमारी कमाई में और ज़्यादा रिक्स में बरकत दे, ताकि हम दोनों हाथों से जो है गरीबों में और भी चीज़ें तकसीम करते रहें। आमीन सुमामीन। इसके बाद हम बिल ने भी खाना खाया और थोड़ी देर आराम की, क्योंकि शाम में मिलाद की महफिल रखी हुई थी और उसकी भी छोटी मोटी कुछ तैयारी करना बाकी थी। तो ये है शाम का वक्त, यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें अरेंज कर दी है। गजरे मंगाए थे मैंने लेडीज़ के लिए, मिठाई रखी, और यहाँ पे मिलादियों ने बहुत अच्छे से शुरुआत की। यहाँ पर दुल्हन के सारे गिफ्ट मैंने लगा दिए थे, ताकि जो भी रिलेटिव्स आएँगे वो दुल्हन के सारे गिफ्ट देख सके। और मैं यहाँ पे अपनी नंदों को गजरे पहना रही हूँ। कुछ चीज़ें मैंने सोच के रखी थी और उसके अकॉर्डिंग ही मैंने चीज़ें की है, और माशाल्लाह सभी को पसंद आया है। काम की शुरुआत अल्लाह के ज़िक्र से, उसकी तारीफ़ से, और घर में बड़े बुज़ुर्गों को याद करते ही होनी चाहिए। और मैंने पूरी कोशिश की है हर एक का ख्याल रखने की। तो आपके घर में भी ऐसा ही होता होगा, क्योंकि शुरुआत जितनी हम सबकी खुशी के मुताबिक करेंगे उतनी ही आने वाली ज़िंदगी हमारी खुशहाल होगी, हमारे बच्चों की खुशहाल होगी। तो बस यही छोटी सी कोशिश की थी। आपके घर में भी ऐसा ही होता होगा, आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चाय वगैरह की महफिल भी चल रही थी, और मिलादी अपने मिलाद भी पढ़ रहे थे, और यहाँ पे नजराने भी बच्चे बहुत ही जोश और खरोश के साथ में मिलादियों को पेश कर रहे थे। तो छोटी छोटी सी क्लिप मैंने बना ली थी मिलाद की, और ही मैंने आप लोगों के साथ में शेयर की। आई होप कि आपको पसंद आ रही हो कि ये वीडियो। तो अब आगे की वीडियो मैं आप लोगों को सुनाती हूँ, आप सुनिए, जिसमें मैंने मेरे बेटे के सहरे को रिकॉर्ड किया है। और अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके मेरे चैनल को ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा। तो फिर मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। आने वाली वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगी, मिस मत कीजिएगा, और ज़रूर कमेंट्स करके बताइएगा कि आज का मेरा वीडियो आपको कैसे लगा। शादी अनस के साथ है, शहर की शादी।
शादी अनस के साथ है शहर की शादी शादी है ये शादी है ये शादी इसमें है तो आए अनस के साथ है शहर की शादी अनस के साथ शानदार बड़ा शानदार तेरा सेहरा बड़ा शानदार तेरा सेहरा बड़ा शानदार अनस तेरा तेरे सेहरे में तेरे सेहरे में अभी पिज़्ज़ा की तारे है तेरे सेहरे में दूल्हा दूल्हन है और ये तेरे दोस्त दानिश के लपे कैसी दुआ आई है और मोहम्मद के लपे कैसी दुआ आई रंग लाई है तो बच्चे भी होने को कार अनस तेरा सेहरा बड़ा शानदार हज करो उमरा करो दूर होवे तन्हाई हज करो उमरा करो दूर होवे तन्हाई कैबा बुलाए सरकार अनस तेरा सेहरा बड़ा शानदार अनस तेरा सेहरा बड़ा शानदार मुबारक हो तुम्हें कलिया नगी शादी मुबारक हो